गाइस, वेलकम है आपका हमारे प्यारे इसी चैनल राधा जी व्लॉग पे। तो आज हम बनाने वाले हैं, एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं आपके साथ, वो है एक पंजाबी रेसिपी। तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, समझ आ जाएगी आपको। तो उसमें बेसिकली यूज़ होता है लहसुन अदरक, और अदरक लहसुन इस फॉर्म में है, और इनको मैंने साफ कर लिया है इस तरीके से। लहसुन छील लिया है, अदरक का मैंने लिया इतना बड़ा टुकड़ा, और इसके अंदर एक चीज़ और जाएगी, वो है आलू। और आलू भी करेंगे थोड़ी देर बाद कट एंड वॉश, और उसके बाद इसको हम कद्दूकस करेंगे इस तरीके से इसमें। तो पहले हम इनको कद्दूकस कर लेते हैं दोनों चीज़ों को अलग अलग, और उसके बाद हम करेंगे आलू को कद्दूकस। तो आज हम बेसिकली बनाने वाले हैं चिट, जिसमें डलेगा बेसिक इंग्रेडिएंट्स है लहसुन अदरक और एक आलू। आलू आप अपने अकॉर्डिंग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आलू डालूंगी बिकॉज थोड़ी सी उसकी ग्रेवी जो थिक हो जाती है और उसमें जाएगा दूध। तो बेसिकली आज ये जो डिश है वो है सर्दियों की फेवरेट हमारी, और सर्दियों में तो दो चार बार खानी चाहिए बिकॉज कईयों को जुकाम खांसी होता है, तो इससे ख़त्म हो जाता है। तो ये डिश ऐसी है, अगर आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आप एक की जगह, दो की जगह, तीन की जगह चार रोटी खा लेंगे, इतनी यम्मी डिलीशियस बनती है। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को और करते हैं आपके साथ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लहसुन और अदरक को दिखाई दिया था, उसको मैंने कर लिया है इस ग्राइंडर से चॉप, मतलब कि इस कद्दूकस। और पहले के ज़माने में तो क्या होता था, लकड़ी सोटा होता था, उसमें बहुत अमेजिंग सा अरोमा भी रहता था, बट हमारे पास वो नहीं है यहाँ पे। तो हम कर रहे हैं कद्दूकस में चॉप, और इसके साथ साथ ये आलू जो वेट कर रहे हैं ना, तो इनको भी कर लेंगे हम इसी कद्दूकस में। और जो सब्जी बनने वाली है वो बनने वाली है देसी घी में, तो देसी घी ही ट्राई कर लीजिएगा आप भी अगर बनाएं तो। इस अदरक लहसुन की सब्ज़ी का इसका नाम है क्या है, मैंने पहले बताया था, अगेन बता देती हूँ, चिट। तो ये पंजाबी रेसिपी है, और मैंने कर लिया है अदरक लहसुन का तैयार, और आलू को भी अभी करना ही है, आपको बताया था मैंने। फटाफट से अब डालते हैं हम देसी घी कढ़ाई के अंदर, और कढ़ाई ना ऑलरेडी मैंने पकौड़े तले थे तो वो अलग ही था, इसके अंदर तो उन्होंने निकाल दिया था, तो कढ़ाई ऐसे गंदी नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लगे कि कढ़ाई गंदी है। और ये हमारी बहुत पुश्तैनी कढ़ाई है, तो आप इस चीज़ को भी बॉडर मत करिएगा कि कढ़ाई कैसी यूज़ करते हैं। वो जो ये गर्म हो गया घी, डाल दिया हमने डाला लहसुन, तो लहसुन जैसे ही डाला हमने, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म थी, तो फटाफट से ना ये भुनना शुरू हो गया इस तरीके से, देखते हैं साइड से। और ये इसका जो अरोमा आ रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग आ रहा है, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ मैं बना रही हूँ देसी घी के अंदर, जब इसका लहसुन का होता है लहसुन, तो बहुत अच्छा अरोमा आता है। और आप देख सकते हैं लहसुन हमारा हो चुका है लाल लाल, इसको ज़्यादा काला नहीं करेंगे बिकॉज मुझे गंदा सा फ्लेवर आएगा। और इसी टाइम पर हमने डाल दिया है अदरक, जो कि हमने अदरक कर लिया था बारी की साइड पर, हम दोनों को भून लेंगे, और भूनने के बाद और इसके अंदर कैसे डालेंगे, बने रहिएगा, देखते रहिएगा हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इन दोनों को भून लेते हैं, भूनने के बाद देखिएगा, और जो उनकी चाहिए लाइक जरूर करिएगा कि मैंने क्या क्या बताया था, इसके अंदर क्या क्या जाना है। तो फिर अगेन और भी सारी जो चीज़ें डलनी हैं वो आप देखते रहिएगा। यहाँ पे लहसुन और अदरक ना भून चुके थे थोड़ा सा, मैंने कहा उसके अंदर जलने की वो ना आ जाए, तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया। और पानी डालने से क्या होगा, जो आलू वगैरह हैं सारे मिक्सर मैच हो जाएंगे, और जब भी मसाले डलेंगे इसके अंदर वो अलग सा कुछ नहीं होगा, मतलब जलेंगे नहीं मसाले। इन बातों ही बातों में मैंने कर लिया है आलू को भी कद्दूकस, और ये देखिए इस तरीके से आलू को बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है, और अब वो भी जाएगा थोड़ी देर के बाद कढ़ाई के अंदर। और हम ला लेते हैं एक बार सारे मसाले को दोबारा से, देखिए जो पानी डाला था वो सूख चुका है। अब इस टाइम पर जाएंगे ये आलू, और आलू डालने के बाद क्या होगा, जल्दी से आलू में चिपकना शुरू हो जाता है, तो अभी इसी के साथ हम इसको भूनना शुरू कर देंगे बिकॉज आलू चिपके ना, और हमारी जो सब्ज़ी है वो टेस्टी बने। साइड में मैंने आटा गूंद लिया बिकॉज इसके साथ बनेंगी पतली पतली चपाती देसी घी वाली। ये हम आते हैं अपनी कढ़ाई के ऊपर, और ये मैं सब्जी के तरीके से भून रहा है, और इसको भूनते रहना है, और सिंपल हम जितना सिंपल बनाएंगे ना उतना अच्छा बनेगा। आप देखिए बिल्कुल अलग अलग हो जा रहा है, क्योंकि उसके आते हैं जिनकी हमने डाला था ना, उनकी अलग अलग कर देना बिल्कुल, उसमें लगेगा कि बिल्कुल चिपकते हैं, और जो भी लगेगा बिल्कुल अलग हो चुका है। इसी समय पर हमने डाल दिया इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, ये सारा कुछ कम हो गया, ये मिक्स कर लेंगे और अच्छे से खत्म हो जाएंगे, और जो मसाले हैं सारे इसके अंदर मतलब फिल हो जाएंगे। और ये देखिए दूध जो हम डालेंगे सब्जी के अंदर, ये दूध को बोलेगा जब ऑलमोस्ट हमारी सब्जी डन होने वाली होगी। अगर हमने पहले इसके अंदर दूध डाल दिया तो क्या होगा, दूध फट जाएगा, तो उसका जो बेसिक ये है
ये दूध जब बनना है बिल्कुल ख़त्म होने के बाद डालना है, बनने के बाद डालना है। यहाँ पर देखिए पानी मैंने कहा था कि जैसे आलू भूनेंगे वो चिपकना शुरू हो जाएंगे, तो इसी टाइम पर आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने में थोड़ा सा इसको भूनेंगे, आप देखेंगे ऊपर घी भी ऊपर आ चुका है और जो चिपक रहा था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये टाइम है, अगर आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि मैं कढ़ी बनाई हूँ, नहीं जी कढ़ी नहीं बना गई, यहाँ पर चिपन रही है और डिश आपको पता कर लगा है पंजाबी छेप। तो यहाँ पर इसको धुआं देने को देखने ही नहीं दे रहा था, मैंने यहाँ पर डाल दिया ऑलमोस्ट उबल चुकी है सब्ज़ी। अब दूध डाल के भी दो तीन उबाले आएंगे और हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया दूध, दूध डालने से क्या होगा एकदम अलग वाइट वाइट सा ना सब वो आ जाएगा जो कलर है वो आया कलर यहाँ पे, और बिल्कुल ना दूर से देखने में लग रहा होगा आपको कड़ी बन रही है कड़ी नहीं बन रही। तो यहाँ पर खिलाते रहेंगे और जो घी है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी फटाफट से। ये है अदरक लहसुन की, क्योंकि अब ऊपर घी आ चुका है और मुझे देखने नहीं दे रहा फिर से, तो अब इसको देखने के लिए मैं क्या करूँगी इसके अंदर ऐसे ही चलाते रहेंगे और सिम पे इसको पकाते रहेंगे। और आज की जो हमारे यहाँ खाना होगा साथ में वो हुआ इसके साथ चपाती, देखते हैं क्या क्या हम एडम कर पाते हैं इसके अंदर इसके साथ। तो बस यही था गाइस, यहाँ पे मैंने इसको देखने के लिए डाल दिया। अब इसमें धनिया की खूबसूरत धनिया डालने से एकदम और अलग सा टेस्ट आ जाता है, धनिया ना सब्जी के अंदर चार चांद लगा देता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया धनिया और इसको भी सिम पे बड़े टाइम देते हैं, थोड़ी देर गैस पे चलने देते हैं। और ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट हमारी 90% डन हो चुकी है। ये सब्ज़ी कौन सी है बताना ज़रूर, मैं बार बार पूछ के ना आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, बट हाँ अगर आपने वीडियो अंत तक देखी तो आपको सब्ज़ी पता चल गई होगी क्या सब्ज़ी है। तो कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग, और प्लेटिंग में आ चुकी है लहसुन अदरक की सब्ज़ी, अदरक नहीं अदरक।